तो एक तो प्रसंग ये है, आपने शायद सुना होगा, आप में से कुछ लोगों मैंने डिस्कस किया होगा क्लास में, एक प्रसंग तो ये है कि ये जिस इलाके से रहे मुरैना, उसके पास जोरा वो जगह है ना, जोरा एक जगह है, वहाँ से तहसील है। हाँ, तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी इस समय है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना पास होने की शर्त नहीं है, पास होने के अलग मैकेनिज्म है पूरे के पूरे। तो ये जिस स्कूल में थे वहाँ पर पास करवाया जाता था, पढ़ा के नहीं, वैसे ही मैनेज करके। तो उससे बच्चों में खास कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर नहीं पढ़े उसके बाद भी आत्मविश्वास रहता है कि जैसे हर साल पास हो रहे हैं इस साल भी हो ही जाएंगे। तो इनकी 12वीं क्लास थी और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्ज़ाम देने गए, उसी समय वहाँ पर कोई नया SDM आया था, तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है। उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी, इनको तो पता भी नहीं था कौन आ गया है, ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, उसी परंपरा में तैयारी चल रही थी। बहरहाल ये एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि चीटिंग शुरू होती उससे पहले ही SDM खुद वहाँ आ गया और प्रिंसिपल को उसने मतलब डांटना शुरू कर दिया। तो बच्चों को क्लास से मैसेज दिया गया कि थोड़ी देर रुको, ये चला जाएगा फिर शुरू करेंगे। और चीटिंग करने वाले 3 घंटे में से 1 घंटे में काम कर लेते हैं, अगर उनको ये भरोसा रहता है अगर 1 घंटा ठीक से मिल जाएगा तो पास तो हो ही जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने और सब ने कोशिश की, चीटिंग के जो जिनका मतलब एजेंसी थी चीटिंग करवाने की, वो भाग गए वहाँ से SDM को देख के। और फिर SDM ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं बैठता हूँ, पूरा पेपर करवा के जाऊँगा। उसने पूरा पेपर करवाया, पूरा स्कूल फेल हो गया। और उसमें ये भी फेल हो गए।